नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार पांडे और हाजिर हूं इसराइल फलस्तीन और मिडिल ईस्ट में जितना कुछ चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, बल्कि अब तो साफ लफ्जों में कहा जाना चाहिए कि जिस तरह का जेनोसाइड चल रहा है उसकी डिटेल्स लेकर। लगातार बातें होती रहती हैं। पिछले दिनों बात हो रही थी, बाइडेन साहब की तस्वीरें आई थी, निकले हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, हाथ में आइसक्रीम थी और मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि 4 तारीख तक ये वीकेंड खत्म होगा, यानी मंडे तक हम वहां पर युद्ध विराम करा देंगे, सीज फायर करा देंगे। जहां गजा में हजारों बच्चे भूख से परेशान हैं, जहां ऐसी खबरें आई कि बच्चों ने जानवरों को जो फीड दिया जाता है, जो अनाज दिया जाता है, उसकी रोटी खाई और उसके बाद वोमिट हुई और उनकी डेथ हो गई, वहां अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन पूरी बेशर्मी से हाथ में आइसक्रीम लेकर गजा और फलस्तीन के बारे में बात कर रहा है। ये वही बाइडेन है जिसके समय 4 बार कम से कम अमेरिका ने सीज फायर के प्रस्तावों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक किया है। मैंने उस समय भी जो पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उस समय भी कहा था कि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन कम से कम मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि सीज फायर होगा। और उसका सबसे बड़ा कारण था इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई सीज फायर हो। इसराइल और बेंजामिन नेतन्याहू किसी हालत में नहीं चाहते हैं कि वहां पर किसी तरह का सीज फायर हो, क्योंकि ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जिस दिन वहां सीज फायर होगा, जिस दिन वहां युद्ध विराम होगा, जिस दिन अगवा किए हुए लोग वापस आ जाएंगे, इसराइलियों को युद्ध से बाहर जाने का मौका मिलेगा, उसी दिन बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी चली जाए। अभी हाल में वहां पर जो चुनाव हुए, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, उसमें भी बिल्कुल क्लियर था कि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लोगों की सोच कैसे बदली। और लगातार जुलूस तो वहां पर निकल ही रहे हैं। इस समय इसराइल की जो हालत है वो ये कि उसके लोग लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार कभी गजा से तो कभी नॉर्दर्न इलाके से सैनिकों की लाशें आ रही हैं। अस्पतालों को बाकायदा कहा गया है कि वो इस तरह का कोई डेटा ना दें। लोग लगातार जुलूस निकाल रहे हैं कि अगवा किए हुए लोगों को रिहा किया जाए। और इन सारे हालात में बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है किसी भी तरह से जंग चलती रहे ताकि उसकी कुर्सी बची रहे और हथियारों के सौदागरों से, जिन लोगों से इनको पैसा मिलता है चुनाव लड़ने का, वो पैसे मिलते रहे। और मैं नहीं चाहता था मेरी बात सच हो। कई बार चीजें हमें दिखाई देती हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो सच ना हो, लेकिन कल जो कुछ गजा में हुआ उसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि इसराइल किसी भी हद तक जा सकता है सीज फायर को रुकवाने के लिए। पहले ही ये मामला चल रहा था लगातार कि इसराइल शर्तें अपनी ऐसी रख रहा था जिनको हमास कभी ना माने। ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई थी कि पूछिए मत। हमास कह रहा था कि सीज फायर ऐसा होना चाहिए जो परमानेंट हो, इसके बाद युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इसराइल 6 हफ्तों से ज्यादा के सीज फायर के लिए तैयार नहीं था। यानी इसराइल का इरादा बिल्कुल साफ था कि एक बार वापस मिल जाए सारे के सारे अगवा किए हुए लोग, उसके बाद गजा पे फिर से कहर ढाया जाए और 6 हफ्ते में दुनिया शांत हो जाएगी, फलस्तीन की बात करना बंद कर देगी, तो फिर जो चाहेंगे वो कर पाएंगे गजा के अंदर। ये उनकी प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग जो सबसे खतरनाक प्लानिंग थी वो जंग के बाद गजा में कैसी रूलिंग हो, गजा में कैसी सरकार आए, इसको लेकर पोस्ट वार गजा को लेकर, जिस पर कई बार मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, इसराइल चाहता है कि पोस्ट वार गजा ऐसा हो जिसमें किसी भी तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल इसराइल के हाथ में रहे। पहली चीज तो ये रहे कि वहां पर कोई मिलिट्री ना हो, दूसरी चीज ये रहे कि वहां कोई चुनाव ना हो, और तीसरी चीज ये रहे कि पूरी तरफ से चारों तरफ से जो आर्मी हो, जो सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, वो पूरी तरह से इसराइल के पास हो, जैसा वेस्ट बैंक में उसने करके रखा हुआ है। यानी साफ ये है कि पूरी दुनिया में जब फलस्तीन की आजादी की बात चल रही है, जब दुनिया भर की संसदें खड़ी होकर कह रही हैं कि फलस्तीन को पूरी आजादी मिलनी चाहिए, 2 नेशन सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो आप सोच के देखिए इसराइल की जो नेसेट है, जिसको वहां की संसद जिसको नेसेट कहते हैं, वहां पर यह प्रस्ताव पास होता है। और अगर आप इसराइल के अखबार पढ़ते होंगे, चाहे वो जेरूसलम टाइम्स आप पढ़िए, चाहे आप वहां का टाइम्स ऑफ इसराइल पढ़िए, तो वहां ये चीजें लगातार कभी ओपिनियन कॉलम में, कभी एडिटोरियल में, कभी किसी के लेख के रूप में आती रहती हैं कि फलस्तीन अलग स्टेट नहीं हो सकता। यानी सीधी सी बात है कि युद्ध विराम तो वो क्या करेंगे, सीज फायर तो वो क्या करेंगे, उनकी सारी मंशा एक ही है कि पूरे के पूरे फलस्तीन पे किसी तरह से वो कब्जा कर।
और इसी मंशा के तहत लगातार वो काम कर रहे हैं, गजा के लोगों को मार रहे हैं, आम शहरियों को मार रहे हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि विकीलीक्स में जूलियन असांजे ने जो फाइल्स ओपन की थी उसमें एक फाइल थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि शहरियों को मारना, बच्चों और औरतों को खास तौर पे मारना जो है वो इसराइल की पॉलिसी का हिस्सा है। वो जहां भी जंग करता है वहां बच्चों और औरतों के ऊपर जरूर अटैक करता है और उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों और बच्चों को मारा जाए। अब इसकी रोशनी में आप देखिए कल परसों जो कुछ वहां हुआ है उसको इसकी रोशनी में आप देखिए। फलस्तीन में आप सब जानते हैं खास तौर पे नॉर्दर्न गजा में तो खाना पहुंच ही नहीं रहा है। मैंने बताया था कि यूएन ने कहा था कि 26 तारीख के बाद वहां पर 26 फरवरी के बाद वहां पर खाने की कोई ट्रक नहीं पहुंच पाई। लैंड रूट से जो ट्रक जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इसराइल के जो लोग हैं लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। वहां उन्होंने बाकायदा कैंप डाल लिया है, ट्रकों के सामने डांस करते हैं, ट्रकों के सामने पूजा पाठ करते हैं और ट्रकों को इसराइल के रास्ते ट्रकों को गजा में घुसने से रोकते हैं। यानी ऐसे ही बहुत मुश्किल है वहां पर कैसे भी राहत सामग्री पहुंचा पाना। ऐसे में कुछ राहत सामग्री वहां पर पहुंची थी, कुछ एड वहां पर पहुंची थी और सैकड़ों लोग इकट्ठा थे वहां, एक बोरा आटा मिल जाए, अनाज मिल जाए ताकि अपने बच्चों को रोटी खिला सकें, इसके लिए सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा थे। अब आप सोचिए कि ट्रकों से एड बट रही थी, हथियार नहीं बट रहा था, वहां कोई गोली नहीं चल रही थी, वहां कोई जंग नहीं हो रही थी, लेकिन जहां गोलियां चलती हैं, जहां जंग होती है वहां से तो इजरायली सैनिक भाग जाते हैं। यहां जहां आम शहरी औरतें बच्चे मर्द अनाज इकट्ठा करने के लिए, राहत लेने के लिए, अपने बच्चों के लिए दाल रोटी का इंतजाम करने के लिए खड़े थे, वहां इसराइल के सैनिकों ने पॉइंट ब्लैंक पर गोली चलाई और 100 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। दुनिया के इतिहास में इस तरह का मैसाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखने को नहीं मिला होगा जहां उन शहरियों के ऊपर गोली चलाई गई जो सिर्फ मदद लेने के लिए आए थे, अनाज लेने के लिए आए थे, पानी और खाने का सामान लेने के लिए आए थे। पूरी दुनिया में खबरें लगातार आ रही हैं, दुनिया भर के नेता डायलॉग दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अरब मुल्कों के नेता भी बोल रहे हैं कि वहां भुखमरी जैसी स्थिति है। यूएन के कितने ही बयान आ चुके हैं कि वहां पर भुखमरी जैसी स्थिति है, बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं उपलब्ध है। कितने वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखा चुका हूं। और ऐसे में जब वहां अनाज पहुंचता है, जब वहां के आम लोग सड़कों पर आते हैं और ट्रकों के इर्द गिर्द खड़े होकर अपलाइन लगाकर अनाज लेने की कोशिश करते हैं, तो उस समय इसराइल के सैनिक उनके ऊपर गोली बरसाते। अब जब ये 100 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, पूरी दुनिया में इसकी लानत मलामत हो रही है, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है इसका, ये मैं आपको बताता हूं। जो बाइडेन के बड़े बड़े बयान आए इस गोलीबारी के बाद, अमेरिका के और भी बड़े बड़े बयान आए, क्या क्या इसको कहा गया, सब कुछ हुआ। यहां तक कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमारी अपनी फोर्सेज जाएंगी वहां पर, एयर ड्रॉप करेंगी। फ्रांस जो लगातार हथियार देता रहा है इसराइल को, वो भी ऐसे ही नाटक कर रहा है कि हम वहां जाकर एयर ड्रॉप करेंगे। सारी दुनिया का अनुभव बताता है कि एयर ड्रॉप से जो राहत आती है वो राहत एक तो बहुत कम होती है, उसको पाना बहुत मुश्किल काम होता है, जबकि जमीन के रास्ते से ट्रकों से जो राहत, लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, वो राहत जो पहुंचती है वो सीधे लोगों के हाथ में पहुंचती है, वो काम आती। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के मारे जाने के बाद और अमेरिकी हथियारों से ही मारे जाने के बाद दिल पसीजा, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि जो बाइडेन का जो पत्थर दिल है वो पसीजा कि चलो हम अनाज पहुंचाते हैं वहां पर, लेकिन उसके पीछे जब एक और घटना आप पाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये सब नाटक है सिर्फ आलोचनाओं से बचने के लिए। जब इन सैनिकों ने, इसराइल के सैनिकों ने, इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्स ने फलस्तीन के 100 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया गोली मार के, तो उसके बाद अल्जीरिया फिर से एक प्रपोजल लेकर पहुंचता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये कल की घटना है। अल्जीरिया ने बाकायदा एक प्रस्ताव किया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया जहां पर मलामत की जानी थी इसराइल की इस हरकत की, जहां पर इसराइल द्वारा, इसराइल के सैनिकों द्वारा 100 से ज्यादा आम शहरियों की खाना इकट्ठा करते हुए, राहत इकट्ठा करते हुए जो
गोलीबारी करके हत्या की गई है उसकी मलामत की जानी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसके लिए अल्जीरिया फिर से प्रस्ताव लेके गया। अल्जीरिया पे मेरा जोर इसलिए है कि आपको याद होगा पिछली बार भी सीज फायर के लिए अल्जीरिया ही ले गया। 15 में से 14 मुल्क तैयार थे इस बात के लिए कि इसराइल की लानत मलामत की जानी चाहिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठकर इस बात पे डिस्कशन होना चाहिए कि यूएन के सारे प्रावधानों को दरकिनार करके आखिर कैसे इसराइल के सैनिक वहां पर राहत लेने आए आम लोगों के ऊपर गोली चला सकते हैं। 15 में से 14 जब मैं कह रहा हूं तो आप खुद समझ गए होंगे कि जो इकलौता मुल्क बचता है जो इस प्रस्ताव पर बातचीत भी नहीं होने देता है वो है जो बाइडेन का अमेरिका। किलर बाइडेन कहिए उसको, जो चाहे वो आप कहिए, लेकिन मैं सीधे सीधे कहता हूं कि इसराइल जो जेनोसाइड कर रहा है उसमें जितना जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू है उससे जरा सा भी कम जो बाइडेन नहीं। मतलब एक तरफ ये नाटक कि उनके अपने सैनिक अब वहां पर एयर ड्रॉप करेंगे, एक तरफ ये नाटक की बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती हैं अमेरिका इसराइल और बाकी जगह के अखबारों में कि जो बाइडेन बहुत दुखी है इस बात से कि आम नागरिकों को मारा गया और अब जो बाइडेन जो है जल्दी से जल्दी वहां ट्रूस कराने की बात, वहां सीज फायर कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 4 तारीख तक जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सपना था कि 4 तारीख तक सीज फायर हो जाएगा वो तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन रमजान के पहले सीज फायर की बात एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इतने के लिए भी तैयार नहीं है कि 100 से ज्यादा आम नागरिकों की जो हत्या इसराइल ने की है उसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लानत मलामत हो, बातचीत हो। वैसे भी हम देख चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है बिना नाखून का और बिना दांत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना के रख दिया गया है जिसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई खास रोल नहीं है। अमेरिका जैसे चाहता है उसको इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। इसीलिए तो 4-4 बार सीज फायर का प्रस्ताव गया, अमेरिका ने रुकवा दिया। इस बार इसराइल की सिर्फ आलोचना का प्रस्ताव था कि कम से कम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो कि ये किस तरह की हरकत है कि आम लोग जो खाना इकट्ठा करने गए थे उनको गोली मारा जाए, उसको भी अमेरिका ने रोक दिया। यानी इसराइल के ऊपर जरा सी भी बात करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका तैयार नहीं है। और लॉजिक क्या देता है? लॉजिक देता है कि हमने अभी उसकी जांच की बात की है, पहले जांच कर लेते हैं कि वाकई इसराइल ने ऐसा किया कि नहीं किया जो सारी दुनिया देख रही है, जिसकी सारी दुनिया मलामत कर रही है, उसको अमेरिका अभी जांच कराएगा। और UNRWA जो वहां के बच्चों की, जो वहां के लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई संस्था थी, यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी, उसके ऊपर इसराइल आरोप लगाता है, जिस पर अमेरिका ये भी कहता है कि जो आरोप है वो पुख्ता नहीं है। और उसके बावजूद बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी बात के 1 मिनट में UNRWA की फंडिंग रोक दी जाती। यानी इसराइल जब आरोप लगाए तो आपको जांच की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है, ब्लिंकन कह देते हैं कि इसराइल ने बाकायदा सबूत उपलब्ध कराए। लेकिन जब इसराइल गोली चलाए, 100 से ज्यादा लोगों को मार दे, शहरियों को मार दे, ऐसे लोगों को मार दे जो खाना इकट्ठा करने के लिए आए थे, अपने बच्चों के लिए खाना ले जाने आए थे, तो उस पर आप बात तक करने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि कहते हैं अभी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। इससे ज्यादा अमेरिका के दोगलेपन का आपको क्या सबूत चाहिए? इससे ज्यादा दुनिया को इस बात का क्या सबूत चाहिए कि 70 सालों से इसराइल जिस तरह का टेरर फलस्तीन में लादे हुए है, अभी 7 अक्टूबर से लेके अभी तक जिस तरह से 30,000 से ज्यादा लोगों को वो वहां पे और आम शहरी लोगों को वहां पर तबाह बर्बाद कर चुका है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो जो बाइडेन है। सीज फायर वो होने नहीं देगा, नाटक करता रहेगा कि हम सीज फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और कोशिशें क्या कर रहा है? कोशिशें कर रहा है इसराइल की सारी शर्तें हमास मान जाए। हमास कहता है कि कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए, तो अमेरिका इसराइल के सुर में सुर मिला के कहता है नहीं, 6 हफ्ते का सीज फायर काफी है। हमास कहता है कि हम रिहा करने को तैयार हैं, उसके बदले में इसराइल के लोगों को भी रिहा करना पड़ेगा, तो अमेरिका इसराइल के सुर में सुर मिलाकर उस संख्या को जितना कम कर सकता है उतना कम करने की कोशिश करता है। पोस्ट वार गजा की बात होती है, इसराइल कहता है डीमिलिटराइज होना चाहिए, तो अमेरिका जबानी जमा खर्च में यह तो जरूर कह देता है कि 2-state solution चाहिए, लेकिन जिस स्टेट की बात करता है, जिस आजाद फलस्तीन की बात करता है, उसको डीमिलिटराइज करने की बात करता है, यानी वहां पर कोई मिलिट्री नहीं होनी चाहिए।
ऐसा आजाद मुल्क किस काम का होगा जिसके पास अपनी मिलिट्री नहीं होगी। मुझे दुनिया का एक आजाद मुल्क बता दीजिए जिसके पास अपनी सेना नहीं होती। अगर उसके पास अपनी सेना नहीं होगी और कल इसराइल उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो कौन बचाने आएगा, अमेरिका या फिर वो अरब मुल्क बचाने आएंगे जो बस इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से कैसा भी फिलिस्तीनियन स्टेट बन जाए या गजा में लड़ाई खत्म हो जाए ताकि इसराइल के साथ जाकर दोस्ती कर सके, माल असबाब वहां बेच सके, अपनी अय्याशी के लिए जो जरूरतें हैं वो इसराइल से पूरी कर सके। कौन लेगा जिम्मेदारी फिलिस्तीनियों की अगर उनके पास अपनी आर्मी नहीं होगी? आज जब हमास लड़ रहा है तो हमास के साथ हिजबुल्ला और हूथी के अलावा कौन है जो फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है? जबानी जमा खर्च की बात छोड़ दीजिए, वो सीसी भी बहुत जमा खर्च करता है, अर्दोगन भी बहुत करता है, अरब के मुल्क भी करते हैं, बाकी लोग भी बातें करते रहते हैं, लेकिन वहां पर इजरायली फोर्सेस अगर 4 महीने की कोशिश के बाद भी पूरे फलस्तीन को दखल नहीं कर पाई है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ रहे हैं। अगर ये नहीं होते, डीमिलिटराइज होता पूरी तरह से, तो तबाह कर दिया गया होता अभी तक फलस्तीनियों को और सारे फलस्तीनियों को फलस्तीन से बाहर करके वहां पर इजरायली बस्तियां बसाने का काम शुरू हो गया होता। और उस पर अगर कोई बहस होनी होती, अगर उस पर कोई बात होनी होती तो अमेरिका था ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो करने के। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जब से ये जंग चल रही है राहत सामग्री पहुंचाने की हर कोशिश को इसराइल ने रोका है। एक तरफ इसराइल के नागरिक जो ट्रकें जा रही हैं उनके सामने डांस कर रहे हैं, उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं, उस पर धरना किए हुए हैं। दूसरी तरफ लगातार ये खबरें आई हैं कि इसराइल ने यूएन की जो एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं, यूएन की ट्रकों पर गोलियां चलाई हैं, यूएन के ट्रकों को रोकने की कोशिश की है और कितने ही ऐसे यूएन के कर्मचारियों का सीधा सीधा मर्डर किया है जो चाहते थे कि वहां पर राहत सामग्री लेकर जाए। ढेरों सबूत है। जब टीवी पर सवाल होता है तो आईओएफ के जो प्रवक्ता होते हैं वो बड़े आराम से कह देते हैं कि ऐसा अगर हुआ होगा तो गलती से हुआ। ये गलती से कैसे हो जाता है? गलती से कैसे ऐसा हो जाता है कि जब हमास के ऊपर आरोप लगाया गया कि जो फेस्टिवल 7 अक्टूबर को चल रहा था उस पर उसने गोलियां चलाई तो बाद में पता चला कि इसराइल के सैनिकों ने ही गलती से वहां लोगों को मार दिया था। इसराइल के सैनिकों ने ही गलती से इसराइल के अगवा किए हुए लोगों को मार दिया था और उसका आरोप हमास के ऊपर लगा रहे थे। ये गलती नहीं है, ये पूरी साजिश है और सारी दुनिया इसको समझती है कि ये एक साजिश थी सीज फायर की हर कोशिश को रोकने की। और ये साजिश कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे तो फिलहाल बिल्कुल नहीं लगता कि रमजान से पहले किसी तरह का कोई सीज फायर वहां पर होने वाला है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको बताया था कि हमास ने, हानिया ने, जो हमास के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा ये बात कही थी कि अल अक्सा मस्जिद में रमजान के दौरान जिस तरह से जो आने वाले लोग थे उनकी संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया है वो गलत है और इसराइल में जो अरब मुस्लिम रह रहे हैं वो अल अक्सा मस्जिद में पूरी तरह से मौजूद रहे रमजान के दौरान। ये और इससे जोड़कर इसराइल की ये कोशिश देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल अल अक्सा मस्जिद के अंदर भी आपको इजरायली सैनिकों की गोलियां दिखाई दे। तो ये जो मिडिल ईस्ट का वार है, मैं वार नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और ऐसे मुल्कों की सरपरस्ती में इजरायल द्वारा जो जेनोसाइड चलाया जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके फिलहाल हालात ये हैं कि इजरायल लगातार शहरियों को मार रहा है, खाना इकट्ठा करने आए शहरियों तक को उसने मारा है और अमेरिका जबानी जमा खर्च, एयर ड्रॉप, ये वो, इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं किस हद तक की सरपरस्ती है ये। इस रोशनी में मुझे तो नहीं लगता कि आगे कहीं कोई सीज फायर की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस रोशनी में कहीं मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कुछ भी एक्टिव होकर ऐसा करेगा कि फलस्तीनियों को इस तबाही से, इस बर्बादी से आजादी मिलेगी। कर सकते हैं तो फलस्तीन के लोग कर सकते हैं तो दुनिया भर के लोग कर सकते हैं अपना प्रेशर बनाकर, जिस प्रेशर की वजह से अमेरिका इतने पर तो उतरा है कि अभी तक वहां जो राहत सामग्री जा रही थी और उस पर वो एकदम खामोश बैठा हुआ था, यूएनआरडब्ल्यूए की फंडिंग रोक दी थी, अब वो खुद अपने सैनिकों द्वारा एयर ड्रॉप करने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि जब अमेरिका के सैनिक एयर ड्रॉप करते हैं तो अमेरिका से हथियार और पैसा लेने वाला इजराइल उस पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या अमेरिका के सैनिकों पर भी गोली चलाता है या फिर उस एयर ड्रॉप को बर्दाश्त कर लेता है? और अगर अमेरिका वाकई वहां एयर ड्रॉप करता है एड को, तो इससे दुनिया भर के
मुल्कों को ये एक मैसेज जाएगा कि वहां पर एयर ड्रॉप करें। मैंने आपको बताया कि फ्रांस पहले ही एयर ड्रॉप करने की बात कर चुका है, अमेरिका कर रहा है, कुछ और मुल्क अगर वहां पर एयर ड्रॉप करते हैं, कतर लगातार वहां पर एयर ड्रॉप कर रहा है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि जमीन के रास्ते जो मदद पहुंचती है उसकी एयर ड्रॉप से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये ढेर सारे मुल्क वहां पर एयर ड्रॉप करना शुरू करते हैं तो असर जरूर पड़ेगा, और असर और तरीकों से भी पड़ रहा है। अमेरिका के सीनेट के कुछ एमपी गए थे, उनको गजा में अनुमति दी गई थी, बड़ी मुश्किल से अनुमति मिली थी, और लौट कर जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि गजा में इजराइल तबाही मचा रहा है। अब ये मैसेज जो है बाकायदा अमेरिका के सीनेट के मेंबर्स कह रहे हैं। इधर दुनिया भर की जो मीडिया है वो इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रही है कि वहां पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जाने दिया जाए। अब ये प्रेशर कितना काम आता है, अगर ये प्रेशर कामयाब होता है, अगर अमेरिका इस प्रेशर को कामयाब होने देता है और दुनिया भर के जर्नलिस्ट वहां पे पहुंचते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां बाहर आएंगी जो अभी तक नहीं आई हैं। और आईसीजे में जिस तरह से केस चल रहा है उसमें अगर ये कहानियां बाहर आती हैं तो इसराइल के लिए ये शर्म का बायस होंगी। आप जानते हैं कि ये कहानियां बाहर ना आए, इसलिए ही इसराइल बाहर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको वहां नहीं आने दे रहा है, और जो सहाफी जो जर्नलिस्ट वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी लगातार मार रहा है। आप जानते हैं 100 से ज्यादा सहाफियों को वो अभी तक मार चुका है। तो ये फिलहाल हालात है। मेरी कोशिश है लगातार अपडेट्स करने की, लगातार हक की बात करने की, लगातार फलस्तीन की जो प्रॉब्लम है, फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है वो और उसके मुतल्लिक दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे आपको रूबरू कराने की, उससे आपको परिचित कराने की मेरी कोशिश है। आप लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मेंबरशिप भी ले रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये अपील हम लगातार करते हैं, करते रहेंगे कि आपके सुपर थैंक्स और आपकी जो मेंबरशिप होती है 3 रुपए रोज से भी कम की जो आप मेंबरशिप हमारी लेते हैं, 89 रुपीज पर मंथ की हमारी शुरुआती मेंबरशिप है। अगर आप हमारी वो मेंबरशिप लेते हैं या जहां भी आप हैं वहां से हमारे वीडियोस पे सुपर थैंक्स देते हैं तो हमें वो ताकत मिलती है, हमें वो सहारा मिलता है जिसके दम पर हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह पाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर जुड़ते हैं, शुक्रिया।